पिछली बार हम लोगों ने संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत क्रिया के साथ कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया के प्रयोग की बात की थी। इस बार हम लोग संस्कृत अनुवाद में कारकों के प्रयोग की चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते हो कि संस्कृत में संबोधन के अतिरिक्त तो 7 कारक होते हैं और ये कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन कारकों के चिन्ह होते हैं, कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण से द्वारा साथ, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से, संबंध का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का चिन्ह है में, पर और संबोधन में हे, हो, अरे जैसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब रही बात विभक्ति की, तो कर्ता की विभक्ति प्रथमा है, कर्म की विभक्ति द्वितीया है, करण की विभक्ति तृतीया है, संप्रदान के लिए चतुर्थी कहा जाता है, अपादान पंचमी विभक्ति में है, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन प्रथमा का ही एक रूप है। हम लोग देखेंगे कि संस्कृत अनुवाद में इन कारकों का प्रयोग कैसे होता है। अनुवाद करते समय अगर हम ये कह रहे हैं मैं राम को देखता हूं, तो राम के साथ जो को चिन्ह आया है, आपने देखा यह कर्म कारक का चिन्ह है को, और इसकी विभक्ति है द्वितीया। तो अब राम जब शब्द हम पढ़ेंगे तो राम के कुछ रूप बनते हैं अलग अलग विभक्तियों में, वो ये रूप हैं। प्रथमा में राम के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे, रामः रामौ रामाः। द्वितीया में रामम रामौ रामान। तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामैः। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी में रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी में रामे रामयोः रामेषु। और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामा। आपने देखा कि अगर हम ये कह रहे हैं मैं राम को देखता हूं, तो यहां राम के साथ जो को चिन्ह है ये कर्म कारक का चिन्ह है और कर्म का चिन्ह को द्वितीया विभक्ति में है। राम के रूप देखते समय हमको द्वितीया विभक्ति देखनी है। राम एक वचन है इसलिए यहां पर राम का एक वचन में रूप बनेगा रामम। पिछली बार आपने कर्ता और क्रिया का प्रयोग पढ़ा था, तो कर्ता है अहम। अब राम को के लिए हम प्रयुक्त कर लेंगे रामम। और देखता हूं कि पिछली बार आप पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार होगा पश्यामि। यह रूप बन गया अहम रामम पश्यामि। इसी प्रकार राम पुल्लिंग शब्द है, कुछ नपुंसक लिंग शब्द भी हैं जिनके रूप भी एक बार देखना होगा। फल है, गृह है, पुस्तक है, ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं जिनका प्रथमा और द्वितीया विभक्त में राम से भिन्न रूप है। तृतीया से संबोधन तक फिर पुल्लिंग की बात ही मिलेगा। यहां प्रथमा में फलम फले फलान, द्वितीया में फलम फले फलान और तृतीया से आगे राम की भांत रूप मिलेंगे। अगर ये कहा जाए कि बच्चे फल खाएंगे, तो फल खाएंगे का अभिप्राय फलों को खाएंगे। बहुत से बच्चे हैं तो बहुत से फल फलों को खाएंगे, तो यहां पर को चिन्ह कर्म का है
और इस कर्म के बहुवचन में रूप बनेंगे फल के, फलानि। तो जो बच्चे शिशु हैं शिशवा बहुवचन में, अब फल के बहुवचन में रूप बनेगा फलानि। और खाएंगे भविष्यत काल में, पिछली बार पढ़ चुके हो, उसके अनुसार शिशु शिशु शिशवा रूप बनेगा। तो खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति। अब आप ये कहेंगे भाई पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की बात तो मैंने पढ़ी, स्त्रीलिंग में अगर देखें तो रमा है, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, इसके रूप रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। अब अगर ये पूछा जाता है, मोहन सीता के लिए पत्र लिखता है, अब यहां देखिए सीता के लिए, और के लिए अभी आपने पढ़ा संप्रदान कारक का चिन्ह है जिसकी विभक्ति है चतुर्थी। अब देखना है सीता का चतुर्थी में रूप क्या होता है। सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सीता के रूप रमा की तरह चलेंगे, और चतुर्थी में रमा का रूप बनता है रमायई, इसलिए सीता का रूप बनेगा सीतायै। मोहना सीतायै। अब पत्र लिखता है, अभिप्राय पत्र को लिखता है, पत्र के रूप फल की भांति चलेंगे, फल भी आपने देखा फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पत्र को द्वितीया का रूप है, तो पत्रम पत्रे पत्राणि पत्रम, यहां पर पत्र को लिखता है तो पत्रम लिखति। अब इसी प्रकार तुम लोगों ने देखा कि अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग रूपों में अलग अलग कारकों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार अकारांत के अतिरिक्त इकारांत उकारांत जो रूप बनते हैं उनमें भी इसी तरह कारक का प्रयोग होगा। आकारांत के साथ इकारांत इत्यादि जो स्त्रीलिंग है उनके भी रूप इसी प्रकार तुम लोग पढ़ो और बनाओ। अब देखिए कभी कभी एक साथ कई रूप बनते हैं, लड़के मैदान में गेंद से खेलते हैं, तो लड़के बहुवचन है इसलिए राम की भांति रामा रामौ रामा, बालका बालकौ बालका रूप चलाइए, और मैदान में खेलते हैं। इस में के लिए देखना है ये में जो है ये किस कारक का चिन्ह है। कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा सा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पंचमी, संबंध काकी के रारी रे षष्ठी, अधिकरण में पर, अधिकरण सप्तमी का रूप है और राम के सप्तमी में रूप बनते हैं रामे, इसलिए मैदान में क्षेत्र के बनेंगे क्षेत्रे। अब गेंद से खेलते हैं तो गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा,
तो अब गेंद कंदुक के तृतीया में रूप चलाएंगे, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण कंदुकेन। और खेलते हैं बालका के अनुसार क्रीडंती। अब तुम लोगों ने देखा कि कर्ता के साथ क्रिया तो पढ़ा था, आज तुम लोगों ने अलग अलग कारकों का प्रयोग सीखा है। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो सर्वनाम और विशेषण कैसे प्रयुक्त होते हैं अनुवाद में, इसकी चर्चा करेंगे।